क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है। लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग किया आकाशदीप की, पहले LBW जो कि उसने कॉन्वे को किया, उसके बाद से लेके सुंदर की दो विकेट, फिर जडेजा की लगातार पांच विकेट, फिर सुंदर की दो विकेट, इससे पता चलता है कि भारत ने पूरे दिन के अंदर डोमिनेट किया है। मारा ये इंडिया इधर भाईजान ली जाती है और अच्छी खासी ली जाती है। अबे जडेजा ने बता दिया क्या लबू शेख, क्या आपका उस्मान ख्वाजा, क्या आपका कहां देख लिया था तुमने? तुम क्या इतना डायरेक्ट कर रहे थे इंडियन स्पिनर्स को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को? टीम इंडिया में आके इंडिया को 2-1 हरा देगी। भाई सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को पिक किया। जो बंदा वाशिंगटन सुंदर को लेकर आया ना, उसको सल्यूट है कि भाई साहब उसने क्या थिंकिंग रखी थी। वार्नर जो है उससे ज्यादा सिंस 2017 से रविंद्र जडेजा का बैटिंग में एवरेज है। फिर आ जाए पैट कमिंस को लेकर जो नंबर वन बॉलर चल रहे होते, और भी दीगर लोगों को मिला के उसमें बॉलिंग में भी नंबर वन है जडेजा सिंस 2017। आज भी उसने पूरा खानदान उजाड़ लिया का ऐसी की तैसी कर गया। 192 पे छोड़ गए थे टी ब्रेक के अंदर, 235 के ऊपर ऑल आउट हो गए, जो मैं चाहता था कि इंडिया 220-230 के अंदर न्यूजीलैंड को रोक ले। भारत ने बड़े अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड को 235 के ऊपर रोक लिया है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी हुई है इंडिया की स्ट्रेस मैच के अंदर। आप समझ ले कि दोनों हाथों से जो ग्रिप होती है ना, वो इंडिया के हाथ में है स्ट्रेस मैच की। लोगों को रट चुके हैं नाम, इतने बॉलर्स हैं और ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ है उनकी कि हम लोग खुद हैरान हो गए कि यार ऐसी बॉलिंग हमने ना कभी देखी ना कभी सुनी, कुछ नहीं हुआ। इंडिया इज टॉप नोच राइट नाउ, कम बैक किया, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि यकीन करो वो बुमराह से भी आगे निकल गया। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ना दुनिया की बन चुकी है। आप देखो मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय वाशिंगटन सुंदर, ही इज अमेजिंग, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, जानदार। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ऐसा नहीं है कि ये तीसरे चौथे पांचवें दिन के पिच पे जाके परफॉर्मेंस आई है, पहले ही दिन की पिच पे खिलाड़ी आउट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वाशिंगटन सुंदर, जो कि टेस्ट मैच में आया कुलदीप यादव के एक्सपेंस के ऊपर। रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट दोनों में बात करें, तो वाशिंगटन सुंदर की इमेज ये है कुलदीप यादव के सामने कि यार ये बैटर तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन शायद वो वाली बॉलिंग में वो वाला इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस आपको ना दे। ठीक है, मतलब एक होती है क्लैपिंग, भाई यार क्लैपिंग भी उनके लिए छोटी चीज है। डिफीट, सीरीज डिफीट हो गई थी और आप इंडिया का लिख रहे विल इंडिया बाउंस बैक, तो मैंने तो सुबह लिख दिया कि रोहित आएंगे ना ग्रैंड कमबैक जी, और ग्रैंड कमबैक करेगा कौन, रात की वीडियो तो देखा करो, उसने कहा ये ले पूरे विकेट। जडेजा को देखा, लेफ्ट हैंड बॉलर जिसको कहते हैं कितना यहाँ पे खतरनाक साबित हुआ है, वहां का जो स्टैंडर्ड था वो खेल नहीं रहा है, तो ये बड़ा बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। तो भारतीय बल्लेबाजों को करना क्या, अब अपनी विकेट को बचाना है, स्लो खेले जैसे मर्जी खेले। भारत को मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट इनिंग्स के अंदर कम से कम 335 करने चाहिए, ताकि जो लीड है ना वो 100 रन की चले। दी मोमेंट भारत ने 100 रन की लीड ले ली, भारत ये वाला टेस्ट मैच हारता नहीं है, ये नहीं हारेगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच के अंदर पहले दिन के अंदर जब बॉल इतना स्पिन हो रहा है, पहले दिन आज पहला दिन है, बॉल इतना ज्यादा स्पिन हो रहा है, तो ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन कितना स्पिन होगा? मतलब कोई तैयारी नहीं थी, ये पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया है भाईजान, ये पाकिस्तान नहीं है जो 350 मार रहा है, ये इंडिया है इधर भाईजान ली जाती है और अच्छी खासी ली जाती है। तो इंडिया ने क्रिकेट खेली, क्यों ना हम पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की ऐसी क्रिकेट की तारीफ ना करें, क्यों इंडियन टीम से कोई प्यार नहीं करेगा, क्यों जडेजा से, यशवंत से, क्यों इंडियन टीम की क्लास से, क्यों इंडियन टीम की स्किल से, जिस तरह से किया, जो सारे लोग कह रहे थे मुझे इंडिया से भी भाई हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, मैं बता रहा था घर पे डोमिनेशन करेगा, घर पे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा, और इंडिया ने घर पे कमाल किस्म की डोमिनेशन परफॉर्मेंस दिखाया। कैसे हुआ भाई ये, कैसे हुआ? सुंदर की सुंदर बॉलिंग की वजह से, क्या कमाल की वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग किया यार, के मजा आ गया देख के। और आपको मालूम है वाशिंगटन सुंदर 3 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं, और वापसी पे इस लेवल की बॉलिंग बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम की दीवारें हिला के रख दी हैं। और मेरा नहीं ख्याल के चौथे पांचवें दिन पे जाएगा, इसका रिजल्ट संडे को आ जाएगा। तो भारत जो है ना, भारतीय टीम इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखिए आपके बॉलर्स ने आपका काम करके दिखा दिया है। अब अगेन कहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों को जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, भारतीय बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अच्छी जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करके दिखाएं, यहां से इस मैच में ग्रिप मजबूत करें। और आज के दिन का डेढ़ घंटे का खेल रह गया है, डेढ़ घंटे कोई विकेट ना दें, विकेट देनी नहीं है। हाँ उनका मैट हेनरी आया हुआ वो तंग करेगा और ओड की तंग करेगा, लेकिन बड़ा अच्छा स्पेल आपको खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी बैटिंग की बड़ी क्लास देखने को मिलनी है, फिर उनके स्पिनर्स आएंगे, जितना बॉल पुराना होगा उनके स्पिनर्स को उतनी मदद मिलेगी। बट अगेन कहूंगा उनका मेन स्पिनर नहीं खेल रहा, मिथुन सैंडर, ये बड़ा बड़ा एडवांटेज है भारत के पास। अब यहां से भारत को स्ट्रेस मैच में कैसे जिसको कहते हैं ना जीतना, इसका सिंपल और सिंपल तरीका है वो ये कि 100 की लीड लेनी है। अब आते हैं रविंद्र जडेजा के ऊपर। देखो बड़े अरसे से जडेजा जो थे ना वो आउट ऑफ टच थे, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं भारत के पास तीन जो है ना वो अनमोल रत्न है, कोहिनूर है तीन, अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल। जब जब इनको जरूरत पड़ती है ये बॉलिंग में भी इंडिया को फायदा पहुंचाते हैं, बैटिंग के अंदर भी फायदा पहुंचाते हैं। 5 रन लेके गया, 5 विकेट लेके गया जडेजा, 65 रन देख के बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस करके गया जडेजा।
इसमें तारीफ बनती है, लेकिन आप देखें कि पहले तीन से अब चार हो गए, वाशिंगटन सुंदर भी आ गए मैदान के अंदर, सुंदर कौन सा कम है, वो भी चार विकेट लेके चले गए। किस किस की हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग किस किस को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक आप चाहते क्या है कि हम लोग रोने लग जाए, हमारी पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स है और हम लोग खुद हैरान रह गए कि यार बाकी बुमराह ऑलरेडी किसी भी विकेट का बॉलर है, तुमने कुछ मैक्सिमम करके देना है। और देखिए यार टीम जीती, टीम की जीत के लिए लगा हुआ था रोहित शर्मा, और जिस अंदाज से आज बॉलिंग में एक बैटिंग, एक ऐसी बैटिंग विकेट यहाँ पर मैं फाइट बैक पे, तुम लोग कहते हो बाउंस बैक होगा, हो गया ये लोग, ये देखो बाउंस बैक के लिए जो है ना ऐसा होता है कि आप कम से कम सीरीज अलाइव हो, ठीक है, सीरीज अलाइव कर दी। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई किया कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, जबरदस्त बॉलिंग, जडेजा ने बहुत क्लासी बॉलिंग की है, इंजरी के बाद आकर आसान नहीं होता बॉलिंग करना, चाहे वो स्पिनर क्यों ना हो, क्योंकि इंजरी के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जडेजा काफी टाइम से क्रिकेट से एक तरह से बहुत बहुत ज्यादा दूर थे, लेकिन जिस तरह से आए, जिस तरह से आकर जो है वो सुपर जो है वो अपने नाम कर लिया है, तो कमाल की बात है। जडेजा ने बता दिया है कि वो ही सिर्फ एक जादूगर है, बाकी सब जो है वो उनकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कहला सकती है। बता दिया है क्यों वो दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम है, वनडे टीम है और टी20 टीम है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिस तरह से इंडिया को दुनिया में पसंद किया जाता है और पाकिस्तान को लानते दी जाती है कि अपने होम ग्राउंड में ये इंग्लैंड से हार जाते हैं, अपने होम ग्राउंड में ये न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, अपने होम ग्राउंड में यार ये सबसे हारते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। कप्तानी देखिए रोहित शर्मा की, देखिए, और वो भी चार विकेट लेके चला गया, पिछले मैच में 13 लेके गया था, इस मैच में चार लेके चला गया, तो वो भी किसी से कम नहीं है। वाशिंगटन सुंदर भी पड़ा हुआ है, और आप देखें जिस तरीके से उसने डैरिल मिचेल्स को आउट किया है, उसके अलावा जिस तरीके से उसने रचिन रविंद्रा को आउट किया है, टॉम लैंथम को आउट किया है, वाशिंगटन सुंदर ने ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली है जो कि प्लेयर इन फॉर्म है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो रविंद्र जडेजा ने भी बड़ी आउटक्लास बॉलिंग किया, जद्दू का जादू चल गया मैं यही कहूंगा, साथ ही साथ सुंदर ने भी बड़ी आउटक्लास बॉलिंग की है। अब यहां से इन दोनों ने तो अपना काम करके दिखा दिया, और आप देखिए एक है राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक है जिसे कहते हैं लेफ्ट आर्म, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना ये पड़ गया, ये कॉम्बिनेशन पड़ गया। और सबसे बड़ी चीज जो पड़ी है ना वो ये है कि अब दूसरी टीम के अंदर एक लेग स्पिनर है ईश सोधी, एक इजाज पटेल बॉलर है, और बीच में दो तीन तो ऐसे खूबसूरत आउट किया उसने, रचिन रविंद्रा ब्लंडर वगैरह को जो बोल्ड किया, और सऊदी को भी अभी उसको भी समझ, एक और बोल्ड किया आखिरी वाला भी, तो ही इज अमेजिंग, शानदार, बेहतरीन, जानदार। और सेट आरसीबी का बहुत पैसा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीन खिलाड़ी रिटेन किए, और कोई मैक्सी जैक्स कैमरून ग्रीन इवन के अपने मोहम्मद सिराज को भी रिटेन नहीं किया, इसका मतलब यह कि आरटीएम मारेंगे, चले इसको भी छोड़ दें, आप आ जाए जरा उसके ऊपर, मुंबई इंडियंस के ऊपर, मुंबई इंडियंस ने वो कर दिया जो सोचा भी नहीं था, खबरें चल रही थी मुंबई का रोहित भी जाएगा, मुंबई का सूर्या भी जाएगा, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मुंबई का रोहित भी मुंबई के पास है, मुंबई का सूर्या भी मुंबई के पास है, और मुंबई का कप्तान भी हार्दिक पांड्या है, ओ भाई साहब मुंबई का कप्तान भी हार्दिक पांड्या है, इससे आप अंदाजा लगाएं मुंबई ने क्या कारनामा कर दिया है, मुंबई का कप्तान हार्दिक पांड्या है, लेकिन सूर्या को भी उन्होंने 16 करोड़ तकरीबन 35 लाख के अंदर रिटेन किया है, रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख के अंदर रिटेन किया, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख के अंदर रिटेन किया, और जसप्रीत बुमराह, बुमराह को भी रिटेन कर लिया, लेकिन बुमराह सबसे महंगा रिटेन हुआ, बुमराह को भी खुश कर दिया, 18 करोड़ के अंदर जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया गया, 18 करोड़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें इसके बाद सुंदर ने भी खतरनाक गेंदबाजी करी और उन्होंने भी शानदार विकेट चटकाए, इसी को देख करके दोस्तों पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, वहीं कीवी टीम पहले ही सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है, ऐसे में टीम इंडिया खुद को क्लीन स्वीप से बचाने के लिए उतरी है, और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेला गया पहला टेस्ट 8 विकेट से और पुणे में खेला गया दूसरा टेस्ट 113 रनों से अपने नाम किया था। वहीं दोस्तों बता दें कि आपको कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, वहीं पर न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन पर ही सिमट गई, क्योंकि भारत की तरफ से इतनी खतरनाक गेंदबाजी करी कि जडेजा ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट चटकाए और वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट न्यूजीलैंड के चटकाए, इसी को देखकर के पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान और परेशान नजर आ रहा है, और इन दोनों गेंदबाजों की वजह से ही न्यूजीलैंड की पूरी पारी लड़खड़ा गई और 235 रनों पर ही सिमट गई। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।